वेलकम गाइस टू टुडेज क्लास दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमने 11th में क्या सीखा, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में हमने बहुत सारे टॉपिक्स सीखे थे। 11th और 10th मैं कंबाइन करती हूँ अभी, क्योंकि आपने 10th में भी काफी कुछ सीखा है, बट मोस्टली 11th में, करेक्ट। तो अभी इस क्लास में या फिर इस टॉपिक के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या आना चाहिए, मैं पहले ये बता दूं कि अगर किसी ने 11th में ये टॉपिक या फिर ये चैप्टर ठीक से नहीं किया होगा या फिर किसी को थोड़ा सा डाउट होगा, उनके लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए भी, आपको कौन से टॉपिक्स या क्या चीजें एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ। उसमें से है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, ठीक है। तो सबसे पहले है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। अभी इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन या कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, नॉर्मल। मतलब ज्यादा मैं ऐसे बहुत ही अजीबो गरीब एंगल्स नहीं देने वाली है, बट जस्ट नॉर्मल जो हमारे 0 to 360 डिग्री वाले एंगल्स होते हैं उनमें डिग्री टू रेडियन आना चाहिए ठीक से। अगर किसी को नहीं आता है प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला फंडा याद होना चाहिए, फोर क्वाड्रेंट्स वाला, ऑल सिल्वर टी कप्स वाला, ठीक है, ये याद है? यस मैम। यस मैम। बोलो, कोई बोल रहा था कुछ? कास्ट मैम, कास्ट ऐसे याद रहता है, सीएसटी कास्ट। हाँ, कैसे भी याद करो, सीएसटी कास्ट या फिर ऑल सिल्वर टी कप्स या फिर ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऐसा कुछ भी। ओके, जिस जैसे आपको याद रहे वैसे। तो ऑल मतलब ऑल एंगल्स, एस मतलब साइन एंगल, टी मतलब टैन एंगल और सी मतलब कॉस एंगल, है ना, ये एक चीज। और एक तीसरी चीज जो है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ साइन कॉस टैन कोसेक सेक एंड कॉट। तो जो हमने वो टेबल बनाया था और 0 degrees to 90 degrees से के सारे वैल्यूज हमने उस टेबल में लिखे थे, है ना, बस। तो और ये साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, मतलब ये कास्ट या फिर ऑल सिल्वर टी कप्स। तो ये जो है ना, ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट टू सॉल्व द फर्स्ट एक्सरसाइज, बस, ठीक है। है इसमें कुछ चैलेंजिंग? किसी को अगर लग रहा है तो आप बोल सकते हो बिंदास एकदम, ठीक है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इतना इतने से आप एग्री करते हो तो प्लीज पुट अ थम्स अप इन माय चैट बॉक्स, कम ऑन लेट मी सी। तो सारा काम मैं नहीं करने वाली, आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके ग्रेट, यस वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ओके, फिर बाद में तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके हम लोग देखने ही वाले हैं, बट फिलहाल इतने से हम लोग काम चला लेंगे। एंड ये सारी चीजें भी आपने देखी है, कंपाउंड एंगल्स, अलाइड एंगल फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला एंड सो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने 11th में पढ़ी। अभी दिस ईयर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 12th। ऑब्वियसली थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, राइट, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगा, बट यस दिस चैप्टर ऑल्सो हैज सम गुड पॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। ओके, क्या होता है, कैसे होता है, आई विल टेल यू एवरीथिंग। ओके, देन द सेकेंड मेन टॉपिक इज एसओटी, तो मैं इसको बोलती हूँ सोटी, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, सोटी। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे ही बुलाएंगे, सोटी, नॉट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ओके, सोटी इज डिफरेंट, एसओटी इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ऑलराइट। तो इसमें और भी टॉपिक्स है बट वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा हम उसको रखेंगे सरप्राइज।
एंड द लास्ट टॉपिक इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अभी इन तीनों में से आपको मैं एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि ये टॉपिक और ये टॉपिक अच्छा लगेगा. ये थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है बट ठीक है. और मैं एक आपको खास बात बताऊँ, इस साल मतलब ये साल तो 12th की एग्जाम कैंसिल ही हो गई, आपने देखा होगा राइट. कल ही आया न्यूज में HSC इज ऑल्सो कैंसल, CBSE इज ऑल्सो कैंसल. बट कैंसिल होने से पहले आपको ये पता था कि 12th का बोर्ड्स का सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया था? यस मैम, यस मैम, 25%. हाँ, तो उसमें ना ये जो SOT टॉपिक था वो चला गया था, उन्होंने डिलीट कर दिया था. सिर्फ ये इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस और इनवर्स का थोड़ा सा पार्ट रह गया था. तो ये जो SOT टॉपिक था ये चला गया था. ठीक है, तो मतलब ये ऑलरेडी टॉपिक इतना ज्यादा क्या बोलेंगे इम्पोर्टेंट नहीं है. बोर्ड्स में आया तो थोड़ा बहुत आएगा, एंट्रेंस में उससे भी कम उसका वेटेज है. ठीक है, तो अगर ये बाई चांस टॉपिक आपको थोड़ा सा परेशान करे तो ज्यादा टेंशन मत लो इसका. ठीक है, उसको बोलो ठीक है आप हो SOT जो भी आपका नाम है, मैं आपसे बाद में निपटूंगा या निपटूंगी. तो उसको थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड में रख देंगे. अगर ये आपको परेशान कर रहा है तो हम बाकी टॉपिक्स पे फोकस करेंगे कि ये जो टॉपिक है ना ये इंडिपेंडेंट है. मतलब ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. ओके, तो अगर आप ये एक पूरा टॉपिक ऑप्शन में भी डालोगे देन ऑल्सो इट्स ओके. ये मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस से इस टॉपिक के थोड़े क्वेश्चन ईजी होते हैं बट कभी कभी परेशान करते हैं. तो अभी से इसको मत डालो ऑप्शन में, नहीं तो बोलोगे हाँ मैम ने बोला ऑप्शन में डालना है तो ऑप्शन में डालना है, ऐसा नहीं. ठीक है, देन ये है हमारे टॉपिक्स. सो लेट अस स्टार्ट विद अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस. एकदम छोटू सा टॉपिक है, क्यूट सा टॉपिक है एकदम, और एकदम ईजी. ठीक है, और जो भी मैंने अभी बताया ना कि 11 से आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, बस उतनी आएगी ना तो भी ये पूरा टॉपिक आपको समझ जाएगा. दैट इज फर्स्ट एक्सरसाइज. ओके, सो सबसे पहले तो देखते कि व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये भाई होते क्या है ना, पहले तो हमें ये समझना चाहिए. तो कोई बता सकता है क्या व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस? यू कैन राइट इन द चैट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट. मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, जस्ट एक अंदाज अपने आप क्या अंदाज लगा सकते हो बाय रीडिंग दिस. या अच्छा, इक्वेशन मतलब क्या होता है रे? अभी तो कितने सालों से आप इक्वेशन पढ़ते? RHS. Okay, RHS, सिर्फ RHS होता है? LHS, RHS. और बीच में कौन होता है? LHS और RHS के बीच में कौन होता है? Equal. Equal to. तो equation मतलब क्या कि equal to sign आएगा. और trigonometry equation मतलब क्या कि equal to sign के आगे पीछे या फिर LHS या RHS में trigonometry function होगा. That's it. ओके, या सो द इक्वेशन विच इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. दैट्स इट. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूं, ठीक है, इफ आई गिव यू सम एग्जांपल्स, अभी ऐसे वाले एग्जांपल्स आपने बहुत बार देखे हुए हैं. साइन 2x इज इक्वल टू 1/4. ओके, या फिर cosec x is equal to 2, या फिर cos 2x plus cos 3x plus cos 9x is equal to 3. तो ये जो सारे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, दे आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. तो इक्वल टू साइन है, LHS, RHS में कुछ ना कुछ है, और कहीं एक जगह पे एक मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ये सुनो, नॉर्मल एग्जाम्पल है, सॉल्व कैसे करना है वो अभी मत सोचो. ठीक है, मैं बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल.
तो अगर किसी ने पूछा कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, ये चैप्टर में क्या है, तो आप बोल सकते हो ना कि भाई ऐसे कुछ इक्वेशंस होते हैं उनको सॉल्व करना। सॉल्व करना मतलब क्या, देखो अभी सपोज मैं इसमें एक थोड़ा सा चेंज करती हूँ कि यहाँ पे ठीक है sec थीटा लिख, ठीक है sec थीटा इक्वल्स टू टू ऐसे लिख, तो यहाँ पे कौन है x है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी x है, तो ये अननोन्स होते हैं ना, ये वेरिएबल्स होते हैं, yes or no? तो इनको फाइंड करना मतलब ही इसका सोल्यूशन निकालना, मतलब ही इसका सोल्यूशन निकाल, ठीक है। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अंदर सोल्यूशन। अभी ध्यान से सुनो, ये सोल्यूशन फाइंड आउट करने के दो तरीके हमारे पास, ठीक है, टू मेन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन वी हैव। फर्स्ट इज प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है, पहला कौन है प्रिंसिपल सोल्यूशन, दूसरा कौन है जनरल सोल्यूशन, ठीक है। प्रिंसिपल माने जो बेसिक होता है ना, एकदम नॉर्मल या बेसिक, और जनरल मतलब पूरे जनरलाइज्ड, पूरे गांव का सोल्यूशन ऐसा, ठीक है। तो ये दो नाम दिए हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, बट इसमें से जो जनरल सॉल्यूशन है ना, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बट आप जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बिना जा ही नहीं सकते, मतलब जब तक ये नहीं पढ़ोगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब तक पढ़ोगे नहीं, तब तक जनरल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ोगे नहीं, ओके। सो ये नहीं पढ़ोगे तब तक यहां नहीं बढ़ पाओगे, ओके। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन से ही होते हुए आपको जनरल सॉल्यूशन में जाना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए, टॉपिक समझ गए? यस यस यस। एंड मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपका वो जो क्वाड्रेंट वाला है ना, ऑल सिल्वर टी कप्स या फिर कास्ट, वो आपको एकदम बढ़िया से आना चाहिए, और सारे ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू आने चाहिए, उतना भी अगर आपको आता है ना, बस आपने जीत लिया है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है बस, ठीक है। कम ऑन नाउ, ये साइन वेव तो सबको पता है ना, वी नो दिस साइन वेव, करेक्ट, पढ़ा है या हमने पढ़ा है साइन वेव, करेक्ट। साइन वेव कहाँ से स्टार्ट होती है, हमने नहीं पढ़ाया। अच्छा, साइन वेव पहली बार देख रहे हो आप लोग? यस यस मैम। ओके, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो कैसी आती है ये साइन वेव, इससे चाहिए तो हम लोग पहले ऐसे निकाल लेते हैं कि अगर मैं लिखूं साइन, ठीक है, यहाँ पे साइन फंक्शन है, यहाँ पे है जीरो, फिर हम लोग आते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और फिर 180। एटलीस्ट ये वैल्यूज तो पता होंगे आपको डिग्री के। हाँ, तो साइन जीरो इज जीरो, साइन थर्टी हाफ, साइन 45 वेरी गुड, साइन 60 अपॉन टू करेक्ट, साइन 90 1 एंड साइन 180 जीरो जीरो, ठीक है, बराबर। अभी ये है मेरा साइन का एंगल, ठीक है, और ये है मेरा डिग्रीज। तो अभी हमको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो दिस इज साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो ये मेरा वाई एक्सिस है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे सारे डिग्रीज है, ऑलरेडी दिख रहे हैं सारे डिग्रीज? यस मैम।
और y एक्सिस पे हमारा साइन एक्स फंक्शन, मतलब यहाँ पे y एक्सिस पे मैंने सिर्फ वन मार्क किया है, वन इज नथिंग बट द दिस वैल्यू, और ये सारी वैल्यूज वन के नीचे ही है ना, जीरो टू वन के बीच में ही है, ठीक है। तो हमको ये भी पता है कि साइन का वैल्यू हमेशा जीरो टू वन के बीच में रहता है। अभी प्लॉट करते हैं, तो जब भी x जीरो डिग्री है तो आपको y क्या मिलेगा, जीरो, तो ये पहला पॉइंट आ गया जीरो जीरो, करेक्ट। अभी यहाँ पे कर्व ऑलरेडी है, मैं बस पॉइंट आपको प्लॉट करके दिखा रही हूँ। फिर 30 डिग्री पे, अभी देखो 90 है यहाँ पे, 45 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, तो 30 में यहाँ पे अज्यूम करती हूँ, और ये 1 है, तो 1 का हाफ यहाँ पे, मतलब ये कुछ तो हुआ 30 और हाफ, है ना, ये 30 और ये हाफ, मतलब एक जनरल वे में मैं बता रही हूँ। फिर 45, तो 45 मतलब 0 टू 90 के बीच में कहीं तो 45 होगा, राइट, और ये जहां पे भी आपको मिलेगा दैट विल बी 1/√2, है ना। यस, फिर ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, अगेन 60 मतलब 45 और 90 के बीच में कहीं पे तो रहेगा 60 यहाँ पे, लेट्स सी, सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन इट हियर 60, तो ये पॉइंट जहाँ पे मुझे मिलेगा दैट इज √3/2, तो √3/2 फटाफट कैलकुलेटर में करो और मुझे इसका डेसिमल में वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेटर पे करो मोबाइल के फटाफट। तो ये भी 1 से थोड़ा सा कम है, इसलिए 1 से एकदम नजदीक है बट थोड़ा सा कम है ना। फिर 90 पे 1 है, तो इस पॉइंट पे इट इज 1, देखो करेक्ट। वापस अभी ये 90 टू 80 तो हमें पता नहीं है, बट स्टिल वी नो दैट अगर बीच में कोई भी आएगा तो ये इसका ही कुछ ना कुछ पार्ट होता है, वो जाने दो। 180 पे वापस जीरो, ये वापस जीरो आ गया, करेक्ट। तो जब आप ये सारे पॉइंट्स को जॉइन करते हो तो आपको कुछ ऐसी वेव मिलती है, ठीक है, दिस इज योर वेव। एंड इफ यू गो निगेटिव, मतलब साइन ऑफ माइनस 90, साइन ऑफ माइनस 90 कितना होता है, माइनस 1, करेक्ट, माइनस 1, तो माइनस 90 मतलब 270 डिग्रीज होता है, यहाँ पे आ गया माइनस 1, देखो, ठीक है। सो ये जो है, फिर वापस हम लोग 180 से यहाँ पे आते हैं एंड वी गो लाइक दिस टिल 360 इज नथिंग बट 2π। सो अगर 180 पाई है, 2π आपको पता है इट इज ऑलवेज जीरो अगेन, राइट, 360, यस। तो ये जो मैंने अभी रेड कलर से पूरा बनाया ना, यहां से लेके यहां तक, दिस इज योर 1 साइन वेव, ठीक है, ये एक पूरा साइन वेव, ये एक पूरा साइन वेव है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ग्राफ छोटा है मेरे पास, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट शो यू ऑल द वैल्यूज, बट अगर आप कैलकुलेटर में भी करते हो, 90 के बाद भी आप कुछ वैल्यूज ले लो, चाहिए तो 90 प्लस 45 या फिर 90 प्लस 30 इज 120, तो 120 लोगे आपको वापस √3/2 मिलेगा, ठीक है, आप चाहिए तो कैलकुलेटर पे करके देखो, साइन ऑफ 120, फिर अगेन 45, 90 प्लस 45, 90 प्लस 60 कर लो 180 तक, आपको वापस यही वैल्यूज मिलेगी, ठीक है, तो आपको ये ग्राफ मिलेगा ऑटोमेटिकली, आपको कहीं पे भी प्लॉट नहीं करना ये ग्राफ, डोंट वरी एट ऑल, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये ग्राफ आया कहाँ से, ओके, यस मैम, ठीक है, समझा है, यस मैम, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे की बात करके क्या था यहाँ पे, क्या करना क्या था मुझे, ओके, सो आई एम गोइंग टू रब ऑल दिस थिंग्स, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये चले जाने वाला है,
फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो अपने लिए, खुद के लिए। डन? यस मैम। ओके चलो। Now, let us come to the point. साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू अगर मैंने बोला तो एक्स इक्वल टू क्या होता है रे? तो व्हाट इज दिस साइन ऑफ व्हाट? रूट थ्री बाय टू कहाँ पे आता है? रूट थ्री बाय टू हाँ साइन सिक्सटी को रेडियन में क्या बोलते हैं? पाई बाय थ्री। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने देखा 90 से थोड़ा सा ही पीछे रहेगा 60 सपोज यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है इस इज 60 या फिर पाई बाय थ्री। ठीक है, ये पॉइंट अभी इसी के पैरेलल या फिर इसी के एकदम सीधी लाइन में अगर मैं यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट, तो मैं अभी वन नंबर और नंबर टू पे बात कर रही हूँ, ये जो पॉइंट है ठीक है, तो ये भी तो रूट थ्री बाई टू है, सेम लेवल है ना वाई? yes, हाँ, 120 डिग्री। हाँ 120 डिग्री, करेक्ट करेक्ट। तो ये है मेरा 120 डिग्री, यहाँ पे भी मुझे रूट थ्री बाई टू मिलेगा। तो यहाँ से मुझे मिला है x इज इक्वल टू पाई बाय थ्री। तो अगर मैं वापस एक बार लिखू साइन x इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, तो ये रूट थ्री बाई टू मुझे 120 डिग्री पे भी मिल रहा है, दैट इज साइन ऑफ x equals to sin of, अभी 120 का रेडियन में आप बता सकते हो? 2 pi by 3 करेक्ट, sin 2 pi by 3 that is sin x, so x मुझे 2 pi by 3 भी मिला। ठीक है, मतलब ये जो रूट थ्री बाय टू का वैल्यू है या फिर ये जो हाइट है, मुझे दो पॉइंट्स पे मिला, एक्स के दो पॉइंट। अभी ये मैंने यहाँ पे क्यों रखा ये ब्रैकेट, तो 2π/3 मैं कहाँ से निकाल सकती हूँ? आई कैन डू पाई माइनस 5/3, तो मुझे 2π/3 मिलेगा। yes, ma'am. हाँ, ये ऐसा क्यों किया थोड़ी देर में बताती हूँ, बट यस मैं डायरेक्टली तो मुझे समझेगा नहीं ना कि 2π/3 लिखूंगी, तो मैंने लिखा था पहले पाई माइनस पाई बाय थ्री, दैट इज पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो 2π तो हमने 2π/3 किया, सो एक्स ऑफ 2π/3 पे भी मुझे सेम मिला। अभी मैं थोड़ा सा और आगे जाती हूँ, ठीक है, सेम थोड़ा सा और आगे 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 आगे, तो ये वाला पोजीशन भी सेम है, सेम हाइट पे, करेक्ट, ये भी तो रूट थ्री बाय टू है ना, हाइट बोल रही हूँ, तो ये वाला एंगल कौन सा है? समझ रहे हो? 420। ओके 420, बट 420 कैसे? ये तो अभी ग्राफ है आपके सामने, इसलिए आप बोल सकते हो, राइट? हम 450 माइनस पाई बाय 3 करेंगे, जो मिलेगा वो वैल्यू रहेगा। यस यस यस, 450 माइनस पाई बाय 3, ठीक है, बट 450 मुझे बताओ 90 का है ना मल्टीपल? यस मैम। हाँ, तो आप मुझे ऐसे बोल रहे हो कि साइन ऑफ 90 समथिंग, 90 माइनस थीटा, तो वो तो साइन का कॉस हो जाएगा ना रे, तो फिर क्या हम 360 प्लस पाई बाय 3 कर सकते हैं, क्योंकि 360 तक 2 पाई होता है ना, सो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 अगर हम करेंगे दैट विल बी सेम, मतलब साइन 2 पाई प्लस थीटा विल बी साइन थीटा ओनली, यहाँ से साइन का कॉस में चेंज भी नहीं होगा, और आपको x इक्वल टू क्या मिलेगा रे, तो ये 2 इंटू 3 इज 6 पाई प्लस 1 इज 7 पाई बाय 3। अभी ये डिग्री भी होने दो, कुछ भी होने दो, बट मुझे ये मिल गया ना, दिस इज 7 पाई बाय 3। ऐसे ही आपको आगे भी मिलेगा, ये वाला पॉइंट भी मिलेगा आगे, ये और आगे जाएगा तो यहाँ पे भी पॉइंट मिलेगा, समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम।
अभी तक तो हमने सिर्फ 0 टू 90 के बारे में सुना, मतलब जो हमने टेबल बनाया ना 0 डिग्री 30 डिग्री टिल 90 डिग्री, तो आपको यही साइन वैल्यूज पता थे। आपको अभी तक ऐसे ही लग रहा था कि रूट 3/2 साइन का बस एक ही वैल्यू है, दैट इज 60, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज है ना, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3, इसके आगे भी हो सकता है, यस और नो? मतलब कहने का मतलब x के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यस मैम। तो अगर सुशील ने x इक्वल टू पाई बाय 3 लिखा और निखिल ने x इक्वल टू 2 पाई बाय 3 लिखा, तो मैं मुझे दोनों को राइट देना पड़ेगा ना? यस मैम। हाँ, और फिर अगर सपोज कृतिका ने x इक्वल टू 7 पाई बाय 3 लिखा, तो मुझे उसको भी राइट देना पड़ेगा, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस यस। तो फिर अभी पता कैसे चलेगा कि कौन राइट और कौन रॉन्ग है? अभी ऐसे तो फिर कोई कुछ भी एंगल लिखेगा, तो मैं सबको राइट दे सकती हूँ क्या? नहीं। इसीलिए ये जो अभी होने वाला है कि ये तो एंगल तो ये साइन में तो कितनी भी लंबी हो सकती है, आपको कितने भी सोल्यूशन मिल सकते हैं, तो इस पूरे सोल्यूशन को उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है? तो ये जो पूरा जो सोल्यूशन है इनको उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड, सबसे पहला हिस्सा आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 0 टू 2 पाई के बीच में आता है, ठीक है? क्या बोला मैंने? 0 टू 2 पाई, यहां तक। तो एक साइन वेव जो होती है ना, यहां से स्टार्ट होती यहाँ पे खत्म, वापस ये रिपीट हो रही है, राइट? इसके आगे पीछे सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ये बोलते हैं हम लोग एक साइन वेव, ठीक है? तो इसके बीच में जितने भी आपको वैल्यूज मिलते हैं वो होगी आपका प्रिंसिपल वैल्यू, ओके? तो अगर मैं बोलूं साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 3/2, अगर मैं ऐसा बोलूं तो रूट 3/2 मुझे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ये वाला नहीं ले सकती क्योंकि ये माइनस रूट 3/2 होगा, मुझे माइनस नहीं चाहिए फिलहाल, मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो दो तरफ मिला मुझे ये वैल्यू इस पूरे रेंज में, yes, sir, no? हाँ। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में मैंने आपको क्या बोला कि आप ना सिर्फ एक एरिया में फोकस करो, ठीक है? आप सिर्फ एक एरिया में फोकस करो, पूरे गांव में जाने की जरूरत नहीं फिलहाल, ठीक है? तो एक एरिया में मुझे दो पॉइंट पे रूट 3/2 रूट 3/2 का वैल्यू मिल रहा है। अभी वो कहाँ पे मिल रहा है? हमको मिल रहा है एट x इक्वल टू पाई बाय 3 एंड एट x इक्वल टू व्हाट 2 पाई बाय 3, है ना? यस। सो देयरफॉर x इक्वल टू पाई बाय 3 और x इक्वल टू 2 पाई बाय 3, तो ये कौन है? ये है आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हमेशा ये याद रखना कि सिर्फ दो वैल्यूज मिलेंगे आपको एज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसी भी एंगल का, समझ रहे हो? ओनली टू वैल्यूज, ओके? सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज ऑलवेज बिटवीन 0 टू 2 पाई, ठीक है? Yes. अगर ये बात समझी है तो मुझे बताओ चैट में, पुट योर फेवरेट इमोजी इन द चैट बॉक्स। सॉरी, एक्सप्लेन अगेन। या आई विल एक्सप्लेन, प्लीज रिपीट। एक मिनट, आपको ये समझा है यहाँ पे जो भी मैंने इतना कुछ लिखा है, ये समझा? यस मैम। यहाँ से आपको क्या समझना है कि x की एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती है जहां पे मुझे रूट 3/2 मिलेगा। तो x कैन बी पाई बाय 3, x कैन बी 2 पाई बाय 3, x कैन बी 7 पाई बाय 3 एंड सो ऑन, ठीक है? जितना आपका बड़ा ये बनेगा, ठीक है, वेव, उतना बड़ा आपको मिलेगा। बट मुझे फिलहाल सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? आई ओनली वॉन्ट द प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा
जीरो टू टू पाई के बीच में होता है. अभी जीरो कहाँ पे है? यहाँ पे, राइट. टू पाई कहाँ पे है? यहाँ पे. 360 मतलब 2π. तो 0 टू 360 के बीच में आपको जितना भी x का वैल्यू मिलेगा वो रहेगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन. आप बोलोगे कि मैम इसका क्या हुआ, ये जो पॉइंट हमने बनाया था ऐसे आगे आगे जाके, ये जो पॉइंट बनाया था जो हमें क्या मिला था रे, 7π/3 मिला था ना, तो ये प्रिंसिपल में नहीं आया. आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके सामने पूरा गांव है और मैंने आपको बस एक एरिया दिया है संभालने के लिए. उस एरिया में जितने भी आपको गुंडे दिख रहे हैं उनको आपको पकड़ के लाना है. तो आपका एरिया कौन है? 0 to 360. इसमें कितने गुंडे दिख रहे हैं आपको? 1, 2, है ना? Yes, sir. हाँ, तो बस उतने ही है आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन. एक्स इक्वल टू पाई बाय थ्री एंड एक्स इक्वल टू 2π/3. समझा है? Yes, ma'am. तो हमेशा हमेशा ये याद कर लो, ये ना अभी एकदम दिमाग में चिपका लो कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सिर्फ दो वैल्यू मिले. आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमें सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज मिले और उसके बाद में जो भी आते हैं ना उसको हम बाद में देखेंगे. फिलहाल हम लोग बस एक एरिया पे फोकस करें. Got it? चलो अगर ये समझा है तो put your favorite emoji in the chat. Come on. देखो sums करोगे ना और अच्छे से confidence आएगा. Don't worry. Sum में इतना सब कुछ मैं नहीं करने वाली, graph and all. ठीक है? Yeah. Wonderful. Yes. Okay. वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिलहाल आगे बढ़ते हैं. अभी मैं ना आपको एक ट्रिक बताती हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, अभी मैंने साइन 3/2 के बारे में हमने बात, अभी हम लोग बात करते हैं साइन -3/2. ठीक है, तो कोई भी सम सॉल्व कैसे करना है वो देखना है. साइन -3/2, तो ये माइनस साइन को पहले तो बाहर निकालो. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes. साइन ऑफ माइनस ऑफ साइन पाई बाय थ्री. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन? Yes, ma'am. फिर इसके बाद आपको तीन मैं आपको बताने वाली हूँ, थ्री मैजिकल लाइंस. आई एम नॉट सेइंग थ्री मैजिकल वर्ड्स बट थ्री मैजिकल लाइंस जो आपको याद रखनी है. पहली लाइन है नेगेटिव साइन रिमूव करनी है मुझे, नेगेटिव साइन रिमूव करनी है. सेकेंड इज ये देखो कि साइन फंक्शन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है. ओके, साइन फंक्शन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है. एंड थर्ड इज साइन कोसाइन में चेंज नहीं होना चाहिए. तो ये जो तीन मंत्र है ना, ये आपको बार बार उच्चार करना है इसका. इस मंत्र का क्या है मंत्र? नेगेटिव साइन रिमूव करनी है, ये देखो कि साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव है, और साइन और कोसाइन में चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, मंत्र समझ गए? यस मैम. यस मैम. हाँ, तो मंत्र अभी हमको यूज कैसे करना है वो दिखाती हूँ. आगे वापस हमारे बिलवेड ऑल सिल्वर टी कप्स, राइट. अभी देखो सेकेंड पे आते हैं, नेगेटिव साइन रिमूव कर दे. ये देखो कि साइन फंक्शन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, मुझे बताओ कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है साइन फंक्शन? सॉरी, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. ठीक है, साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. अभी जब भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, जब भी आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब कहीं यहाँ पे मेरा एंगल है, दिस इज समथिंग एंगल, लेट्स से मेरा क्या है पाई बाय थ्री है ना, तो यहाँ से अगर मैं पाई बाय थ्री कैलकुलेट करती हूँ, मतलब यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से मैं पाई बाय थ्री करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे कहीं पे तो साइन मिलेगा और वो भी नेगेटिव मिलेगा, राइट. है ना? Yes, ma'am. और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है. तो अगर मैं यहाँ से इसको मेजर करती हूँ, ठीक है, पाई बाय थ्री, तो मुझे यहाँ पे भी एंगल मिलेगा, राइट. तो दो एंगल्स मुझे मिलेगा.
तो जब भी आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो आप क्या करोगे, पाई, आप करोगे पाई प्लस थीटा। थीटा कौन है, ये छोटू एंगल अपना, ओके। और जब भी आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो आप करोगे टू पाई माइनस थीटा। ये क्यों मैं बताती हूँ फिलहाल, तो मैं साइन पाई बाय थ्री को ऐसे लिख सकती हूँ क्या, मुझे माइनस साइन रिमूव करना है तो साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय थ्री, ओके। एंड ये भी माइनस साइन मैंने रिमूव कर दिया तो ये हो गया टू पाई माइनस पाई बाय थ्री। नाउ इससे मुझे बताओ, साइन और साइन का कॉस में चेंज होने वाला है दोनों में से किसी में भी? नो, करेक्ट, यस। तो साइन विल बी फोर पाई बाय थ्री, ओके। ये अगर मैंने किया थ्री इंटू पाई विल बी थ्री पाई प्लस वन फोर पाई, एंड ये टू इंटू थ्री सिक्स पाई माइनस वन फाइव पाई बाय थ्री। तो आपको दो साइन वैल्यूज मिले, x इक्वल टू फोर पाई बाय थ्री एंड फाइव पाई बाय थ्री। ये है आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन, ओके। ये है आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन, ओके। तो अभी अब लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो मंत्र है वो चेंज होते जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो कन्वर्जन टेक्निक बता दे, तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो आपको थीटा एज इट इज रहेगा, थीटा विल बी एज इट इज। अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो तो इट विल बी पाई माइनस थीटा। ये तो पता है सबको, ये है जीरो, ये है पाई बाय टू, ये है पाई और ये है थ्री पाई बाय टू, और ये वापस आते हैं तो यहाँ पे टू पाई हो जाता है ना? यस मैम, यस मैम। तो जब भी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो आप करोगे पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको आना है तो पाई प्लस थीटा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है तो टू पाई माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सिर्फ थीटा, उसमें कोई चेंज नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए टू पाई माइनस थीटा। ये बताओ, देखो मैंने सिर्फ पाई और टू पाई यूज किया, आई हैवंट यूज्ड पाई बाय टू एंड थ्री पाई बाय टू। व्हाई? इनको यूज क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि अगर वो यूज करेंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा। हाँ, तो मैंने जो थर्ड मंत्र है ना हमारा, कि साइन और कॉस चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए ये हम लोग यूज नहीं करेंगे, 90 का मल्टीपल यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ जीरो या फिर पाई का मल्टीपल यूज करेंगे। तो ये है प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए। ये किसके लिए है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, ओके। ये समझा है? यस यस यस। मैं अभी आपको एक समरी देती हूँ, जो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने देखा है मीनिंग क्या है इन शॉर्ट। देखो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सिर्फ आपको ये चारों क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, जीरो टू टू पाई बोला ना मैंने, तो यू विल गेट इट इन एनी फोर, वन ऑफ द फोर क्वाड्रेंट्स। लेट मी राइट डाउन, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है, आंसर विल बी एनी ऑफ फोर क्वाड्रेंट्स, ठीक है? तो आंसर विल बी फ्रॉम एनी ऑफ द फोर क्वाड्रेंट्स, एनी टू, राइट? क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको टू वैल्यूज मिलेंगे हमेशा, और सारी वैल्यूज जो आंसर है आपका लेस देन होना चाहिए 360, बराबर? लेस देन होना चाहिए 2 पाई या फिर लेस देन होना चाहिए 360, ओके। एंड ऑलवेज यूज द मंत्रास। अभी हम मंत्रा क्या क्या होने वाला है वो मैं बताती हूँ, बट ये समझा है क्या? एक समरी दिया मैंने आपको, ठीक है? एनी डाउट बच्चा लोग, एनी डाउट? नो मैम, ओके, यस।
तेजस्वी सेइंग रिपीट वंस अगेन. तेजस्वी अभी समझा है या वापस रिपीट करूं? ओके ओके ग्रेट वंडरफुल वंडरफुल. ठीक है आई नो ये बहुत सारी नई नई चीजें है बट ट्रस्ट मी गाइज एक बार ये समझ गया ना और एक दो क्वेश्चंस भी आप देख लोगे ना इट विल बी इजी. ये ज्यादा कुछ करना ही नहीं है छोटे छोटे क्वेश्चंस. ओके सो किसी भी चार क्वाड्रेंट में से ही आपको आंसर आने वाला है और उस क्वाड्रेंट का आंसर निकालना कैसे है तो मैंने आपको बता दिया. जीरो पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा एंड टू पाई माइनस थीटा. ठीक है इसके अलावा कुछ और ट्राई मत करो नहीं तो आंसर पक्का रॉन्ग आएगा. ओके लेट्स गो एंड नाउ ओके तो एक काम करती हूँ मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्योंकि अगर मैं जनरल सॉल्यूशन पे गई ना अभी डायरेक्टली तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन उड़ जाएगा दिमाग में से. ठीक है सो या लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स ऑन प्रिंसिपल सॉल्यूशन ओनली. यस सो टेल मी एवरीवन सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम. तो ये अभी एक्सरसाइज के कुछ सम्स है तो डायरेक्टली वही करते हैं क्यों कुछ और करें ना. सो यू हैव इन योर एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर टू. ठीक है उसमें से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. बोला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू. ठीक है साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू. अभी सबसे पहला मंत्र क्या है मेरा मुझे नेगेटिव साइन को रिमूव करना है. ओके सो आई विल राइट डाउन द मंत्रास हियर. नेगेटिव साइन रिमूव करो. यस सो नेगेटिव साइन में कैसे रिमूव करो इसका सॉल्यूशन लिख दो. ओके सो आई कैन राइट दिस एज साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन पाई बाय सिक्स दैट इज साइन थर्टी. है ना हाफ इज वन साइन थर्टी करेक्ट. नेगेटिव साइन रिमूव कर दो. फिर मेरा सेकेंड मंत्र क्या है व्हाट इज माई सेकेंड मंत्र साइन कहाँ कहाँ निगेटिव है. ठीक है ये मुझे फाइंड आउट करना है तो साइन कहाँ कहाँ निगेटिव उसके लिए हम लोग ये छोटा सा बनाए. ठीक है ऑल सिल्वर टी कप्स मुझे बताओ कहाँ कहाँ निगेटिव है साइन. तो यहाँ पे है निगेटिव और यहाँ पे ये थर्ड एंड फोर्थ. अभी थर्ड एंड फोर्थ के लिए मैंने क्या बोला है यहाँ पे हम करते पाई माइनस थीटा सॉरी पाई प्लस थीटा यहाँ पे हम करते टू पाई माइनस थीटा करेक्ट. तो वही करेंगे सी फॉर थर्ड क्वाड्रेंट आई एम डूइंग साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस थीटा बोले तो पाई बाय सिक्स. ठीक है थीटा बोले तो पाई बाय सिक्स. अभी ये क्या हो जाएगा दैट इज नथिंग बट साइन ऑफ सिक्स को पाई के साथ मल्टीप्लाई करो सिक्स पाई प्लस वन इज सेवन पाई बाय सिक्स. तो मुझे थीटा कौन मिला रे सेवन पाई बाय सिक्स. ओके ओके मैम या तो फिर से एक्सप्लेन. यस यस आई विल एक्सप्लेन. ठीक ये समझा है? यस मैम. हाँ सेकेंड मंत्रा में हम लोग क्या करते कि साइन कहाँ का पॉजिटिव निगेटिव है ये देखें क्योंकि मुझे क्वेश्चन में निगेटिव दिया है ना इसीलिए. फिर मेरा थर्ड मंत्रा क्या है
कि साइन कॉस में चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला है कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप आ रहे हो तो आपको करना है पाई प्लस थीटा। थीटा कौन है यहाँ पे, ये थीटा है, ओके। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम करेंगे पाई टू पाई माइनस थीटा, ठीक है। सो फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, जस्ट अ मिनट, सो फॉर थर्ड क्वाड्रेंट साइन थीटा को मैं लिख रही हूँ, अभी ये जो राइट हैंड साइड है ना, मैं उसको माइनस साइन हमने निकाल दी। निकालना मतलब क्या, हम लोग ने ऐसे क्वाड्रेंट चूज किया जहाँ पे साइन नेगेटिव है ना, तो मुझे साइन माइनस साइन जो निकालनी थी, तो माइनस साइन के जगह पे मैं क्या लिखूंगी, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, दैट इज पाई बाय सिक्स, ओके। तो ये जो हम एडजस्टमेंट करके लिख रहे हैं ना, ये क्यों लिख रहे हैं, ताकि माइनस साइन चली जाए, ओके, ताकि माइनस साइन चली जाए। अभी ये सिक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा सिक्स पाए प्लस वन विल बी सेवन पाए, सो साइन सेवन सेवन पाए बाय सिक्स, दैट इज साइन थीटा। तो साइन साइन कैंसिल ना, थीटा क्या मिलेगा रे, सेवन पाए बाय सिक्स, ठीक समझा है। ये सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट किया हमने, ओके। मैं फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों ले लिया, थर्ड ही क्यों लिया, नहीं कर रहे हैं ना अभी एक एक बता रही हूँ, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों करना है आपको, दो वैल्यू चाहिए ना प्रिंसिपल के लिए। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट करेंगे, ओके, सो मुझे थोड़ा सा स्पेस बनानी पड़ेगी। यस, तो ये यहाँ पे लिखू क्या फिलहाल, ताकि ये पूरा साथ में रहे, सामने रहे, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे लिखती हूँ, दैट इज साइन थीटा विल बी साइन ऑफ टू पाई माइनस पाई बाय थ्री, ठीक है, टू पाई माइनस थीटा, दैट इज टू, सॉरी पाई बाय थ्री नहीं, पाई बाय सिक्स, ओके। अभी दैट इज टू पाई, तो वापस वही करो, सिक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व पाई माइनस वन विल बी 11 पाई बाय सिक्स, वेरी गुड, 11 पाई बाय सिक्स, यहाँ पे तो साइन थीटा है, तो देयरफॉर थीटा क्या मिलेगा रे यहाँ से, पाई बाय सिक्स, यस। तो ये दोनों वैल्यूज, अभी अगर मैं बोलू जस्ट एक क्यूरियोसिटी, मुझे इसको ना डिग्रीज में बताओ फटाफट, व्हाट इज दिस इन डिग्रीज, मैंने चेक नहीं किया, मैं आप पे भरोसा करके लिख रही हूँ। और ये क्या होगा फिर, 330 डिग्री, ठीक है, दोनों भी 360 से कम है ना, सिंस थीटा इज इक्वल टू सेवन सेवन पाई बाय सिक्स एंड इलेवन पाई बाय सिक्स आर बिटवीन जीरो लेस देन थीटा लेस देन टू पाई, करेक्ट, यस। तो दोनों जीरो टू टू पाई के बीच में है, देयरफॉर दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो पीएस बोले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, गॉट इट, यस मैम। तो ये करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली ये बिलो 360 आएगा, क्योंकि आपने 360 माइनस किया है ना, तो ऑब्वियसली वो 360 के बिलो ही आए, ओके, यस। सो समझा है कैसे सॉल्व करना है ये वाला सम,
यस मैम। अभी एक पॉजिटिव वाला लेते हैं। अच्छा ये भी नेगेटिव ही है। पॉजिटिव क्वेश्चन नहीं है क्या भाई? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव करेंगे ना तो फिर पॉजिटिव ही आएगा ही नहीं। अच्छा ठीक है ये वाला करते हैं एकदम इजी। ये एक्स्ट्रा है ना, ये एक्सरसाइज वाला सम नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। So, tan x equals to root 3. Okay? Tan x equals to root 3. अभी कहाँ पे आता है root 3 इसका? Tan 30 degree. Tan 30 degree. Radian में बताओ. 60 degree. Pi by 3. Pi by 3. करें. Yes. Solution. So, tan x is equal to tan pi by 3, है ना? तो आप बोलोगे ये तो आ गया आंसर बस खत्म, बट नहीं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ पे आता है? तो आते हैं ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो आपको और एक ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी कि जहाँ पे आपको tan pi by 3 equal to root 3 मिलेगा। तो यहाँ पे ना हमारा जो मंत्र है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली सेकेंड मंत्र पे जाएंगे। चेक करो tan पॉजिटिव कहाँ होता है? tan एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। यस, तो यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, राइट मैम? 240 4π/3। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सबको चमक रहा है अभी, एकदम बढ़िया से चमक रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको कुछ चाहिए तो आप उसको थीटा ही रखोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ चाहिए तो पाई प्लस थीटा को, है ना? तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। नाउ अगेन सेकेंड मंथ है, टैन कॉट में चेंज, सॉरी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो tan cot में कभी चेंज होगा जब आप 90 से उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करोगे, तो 90 तो लाना ही नहीं है कभी भी, 90 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 ये चाहिए ही नहीं मुझे, ठीक है? खाली फुकट। सो एक तो ये हो गया दैट इज थीटा, तो ये तो tan x इक्वल टू दिस। आल्सो अभी हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, tan x इज इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस थीटा, दैट इज पाई बाय 3, थीटा बोले तो पाई बाय 3। तो अभी ये कौन आएगा? जैसे कि निखिल ने बताया, एम आई राइट? निखिल ने ही बताया ना? यस मैम। यस, अभी सबके आवाज मुझे थोड़े थोड़े याद होने लगे। सो 3 इनटू पाई विल बी 3 पाई प्लस 1 4 पाई, दैट इज tan 4 पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा tan x। तो मुझे tan x क्या मिला? So therefore x will be 4π/3 and therefore आप directly लिख सकते हो principal solution pi by 3 and 4π/3। तो ये दोनों भी values एक first quadrant की है, third quadrant की है, correct है? Yes ma'am। समझा? Yes ma'am। Okay। अभी हम लोग exercise वाले question पे वापस आते हैं, क्योंकि मुझे एक पॉजिटिव दिखाना था और एक्सरसाइज में कोई पॉजिटिव मेरे पास था नहीं एग्जांपल, इसलिए एक्स्ट्रा एग्जांपल लिया। नाउ लेट अस गो, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व द थर्ड सब क्वेश्चन हियर, ठीक है? थर्ड सब क्वेश्चन, तो ये देखो अभी थोड़ा सा ना इसमें ट्विस्ट है, रूट थ्री कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे आपको दिया हुआ है। तो कैसे करोगे, क्या करोगे? सबसे पहले तो इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट करो, 2/√3। हाँ बराबर, 2/√3। हाँ, तो ये प्लस 2 यहाँ पे जाएगा तो -2 हो जाएगा, फिर √3 को भी शिफ्ट कर दो, cosec थीटा विल बी -2/√3। अभी कोसेक से अगर आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर दो, मतलब रेसिप्रोकल।
साइन थीटा विल बी माइनस रूट थ्री बाई टू. अभी ये तो अभी किया ना हमने. यस मैम पीपीटी पे. हाँ पीपीटी पे किया. सो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैं डायरेक्टली लिखती हूँ. प्रिंसिपल सॉल्यूशन सो चाहिए तो हम वापस सॉल्व करते हैं. पहले हम क्या देखते हैं. अभी मैं वापस बार बार मंत्र नहीं लिखूंगी. हाँ तो बस ये चेक करना है कि साइन निगेटिव कहाँ पे. कहाँ पे होता है निगेटिव साइन. थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड एंड फोर्थ. वेरी गुड. और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको जाना है सो साइन थीटा विल बी फॉर थर्ड क्वाड्रेंट साइन ऑफ पाई प्लस थीटा दैट इज पाई प्लस पाई बाय थ्री. ठीक है. एंड साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई. पेजेस में शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि हमने पीपीटीपी ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तो आप वहां से देख सकते हो. तो आपको मिलेगा थीटा इक्वल्स टू 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3. ओके तो सेम क्वेश्चन था बट देखो कैसे घुमा फिरा के दिया है ना. यस मैम. यस. अच्छा एक और करते हैं. एकदम इजी वाला है बट स्टिल आई विल शो यू बिकॉज ये तो कम ही हो गया ना हमारा. नंबर टू सेम क्वेश्चन में दिया हुआ है टैन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन. तो टैन की भी बात कर लेना. साइन कर लिया टैन कॉस कर लिया तो टैन की भी बात कर लेते हैं. ओके सोल्यूशन. ओके सो पहले तो अगर माइनस साइन है तो आपको माइनस साइन निकाल लेंगे. टैन थीटा इज माइनस टैन व्हाट. वन कहाँ पे होता है टैन 35 मुझे रेडियन में बताओ आंसर. रेडियन में. तो माइनस साइन बाहर निकाल दी. अभी मुझे बताओ टैन कहाँ निगेटिव होता है. Second and fourth. So tan theta is negative in second and fourth quadrant. ठीक है. बस इतना भी अगर रफ में लिखोगे ना तो भी चलेगा. वो मंत्र हर बार लिखने की जरूरत नहीं. आप वो मन में उच्चार करो. नेगेटिव साइन रिमूव करनी है फिर देखना है tan theta कहाँ पे नेगेटिव है और फिर मुझे tan को cot में कन्वर्ट नहीं करना. सो हम लोग क्या करते हैं फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट. व्हाट वी विल डू. टैन थीटा विल बी टैन ऑफ 3π/4 एंड 7π/4. करेक्ट करेक्ट वेरी गुड. तो ये कहाँ से आया. पाई माइनस थीटा करते हैं क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं. राइट. पाई माइनस पाई बाय फोर दैट इज थीटा विल बी 3π/4 एंड tan theta is equal to tan of जब fourth quadrant में आ रहे तो 2π minus theta करते हैं. so 2π minus pi by 4 that is theta will be 7π/4. so therefore PS what is PS 3π/4 and 7π/4 थीटा इक्वल. समझा है सबको प्रिंसिपल सॉल्यूशन एकदम अच्छे से. ठीक है. ग्रेट. यस. हाँ तो जो भी थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लग रहा था मे बी मुझे पता चला कि थोड़ा सा बाउंसर जा रहा है. अभी समझा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद. यस मैम. तो बस तीन मंत्र याद रखो. अगर निगेटिव आया तो पॉजिटिव आया तो बस दो ही मंत्र आएंगे. yes. मंत्र और बस उच्चार करो उसका बार बार. ठीक है. जपो उसको. वेरी नाइस. ठीक है. यस. थैंक्स रुतिका. ग्रेट ग्रेट. सो सुशील और खुशी ने बहुत सारे स्टार्स भेजे हैं चैट में. थैंक यू. इवन आई लाइक स्टार्स अ लॉट. ओके ठीक है. तो ये था एवरीथिंग अबाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन. बट
लेट मी टेल यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते. ज्यादा क्वेश्चंस किस पे आते हैं? जनरल सॉल्यूशन पे. ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जनरल सॉल्यूशन पे. तो अभी हम लोग जाएंगे जनरल सॉल्यूशन पे. एक जस्ट मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, एक आइडिया आया जो आपके दिमाग में भी आना चाहिए था, कि अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ एक एरिया में है, मतलब मैंने क्या बोला 0 to 360 या फिर 0 to 2π, मैंने आपको बस एक एरिया बोला और उसमें हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना. ठीक है, सो पूरे नंबर लाइन पे, मतलब पूरे गांव में जितने भी सॉल्यूशन मिलेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, तो पूरे नंबर लाइन पे, मतलब 0 to infinity, 0 to infinity डिग्रीज की कोई भी डिग्री होने दो, वहां पे जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा 2π के बाद वाले सॉल्यूशंस को भी हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे. समझा है? यस मैम. यस मैम. तो सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन होता क्या है? बेसिकली इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन व्हिच इज जनरलाइज्ड. ठीक है, जनरलाइज्ड यूजिंग इट्स पीरियोडिसिटी. अभी ये छोड़ दो पीरियोडिसिटी क्या होती है क्या नहीं, आई विल टेल यू दैट, बट जनरलाइज्ड फॉर्म, मतलब एक जनरल फॉर्म में आपको आंसर लिखना कि भाई आप एक एन का वैल्यू कुछ भी डालो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, ऐसा. ठीक है, जनरल फॉर्म में. यस, ओके, या सो हाँ, ओके, टेल मी कि आप लोगों को ऑब्वियसली ब्रेक चाहिए होगा ना, 5 मिनट का. ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है मैं ब्रेक नहीं दूंगी, बट हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कस करेंगे, चलेगा? ओके मैम. फिर उसके बाद ये जो जनरल सॉल्यूशन है इसमें 3 थ्योरम्स है वो हमें देखने हैं, तो थोड़ा सा नहीं तो और बोरिंग हो जाएगा अगर मैं ऐसे ही करूं कंटिन्यू. ऑलराइट, सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको, ट्रिग्नोमेट्री आपको तभी पसंद आएगा जब भी आपको उसमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा, है कि नहीं? Yes, मैं कितना भी ट्राई कर लू आपको इजी वे में समझाने के लिए या फिर कुछ भी आपको अलग अलग नुस्खे बता के कितना भी ट्राई करू, फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आपको ये टॉपिक या फिर ये लेक्चर तभी याद रहेगा जब भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग आपके सामने आएगा, है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये ना सबसे ज्यादा ऑनलाइन लेक्चर्स में ज्यादा डिमांड पड़ गई है स्टूडेंट्स की. ऑफलाइन जब भी मैं ये चैप्टर सिखाती थी हाँ हो जाता था नॉर्मल वे में, अभी ऑनलाइन है तो आप लोग हमसे बहुत मेहनत करवा रहे हो, बट ठीक है उतना ही मजा मुझे भी आता है फिर कुछ ना कुछ अलग ढूंढने के लिए आपके लिए. सो या आई हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल टू शो यू गाइज कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होता है. सो रेडी एवरीवन? सो पेंसिल, पेपर, पेन, नोटबुक सब कुछ साइड में रख दो थोड़ी देर के लिए एंड बी रेडी बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, so does anybody know what is this? PSLV. No. GSLV. No. इंडिया के बाहर है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था 2018 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, दिस इज SpaceX Falcon Heavy. ओके, यस मैम. यस यस, तो ये देखा था क्या किसी ने या फिर कुछ भी पता है आपको इसके बारे में? नो नो मैम, किसी को भी नहीं पता. अरे वाह, वेरी गुड, मतलब मुझे आपसे ज्यादा पता, तो आई कैन एक्सप्लेन. वेरी नाइस, ठीक है. सो अभी
आप सोच रहे होगे कि ये तो ठीक है, स्पेसएक्स किसका कंपनी ये पता है एटलीस्ट? एलन मस्क। एलन मस्क, करेक्ट करेक्ट। तो उसने, उस बंदे ने एक बहुत ही ऑसम जी चीज करी है इसके साथ, ये जो उसका फाल्कन yes, है। आई नो टेस्ला भेजा है ना इसके अंदर उसने। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट क्या भेजा उसने इसके अंदर, बट बहुत ही कुछ खास बात करी है उसने, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो है गाइस जो मैं आपको बताऊंगी, एक 2 मिनट्स का वीडियो है, उसको ऑडियो में भी शायद आपको नहीं आएगा सुनाई, बट सिर्फ म्यूजिक है उसके पीछे, ठीक है। बट जस्ट लुक एट दैट वीडियो, बहुत ही ऑसम वीडियो है, और मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि उसमें क्या हो रहा है और उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज किया। ओके ठीक है, यस यस तो SpaceX का ये लॉन्च है, फाल्कन हैवी लॉन्च, आप इसको गूगल भी कर सकते हो बाद में। इट वॉज आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वॉज इट हैपेंड इन 2018। ओके एंड मैंने उस टाइम पे ये नहीं देखा था, बट मैंने बाद में ये देखा था, ठीक है। सो जस्ट लुक एट इट, आवाज आई विल ट्राई, बट वैसे भी सिर्फ म्यूजिक है। लेट मी फर्स्ट डू दिस, एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू हियर द म्यूजिक, जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके रेडी? यस मैम। ओके चल, ओके कुछ समझा क्या हुआ मैम? वो जो पार्ट था ना उधर का, तो उसको वापस से अर्थ पे लेके आया, कि उधर वेस्ट क्रिएट ना हो तो वापस से अर्थ पे लेके आए। यस यस, तो इलॉन मस्क ने एक ऐसा काम किया जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। यू नो कि सैटेलाइट जब हम भेजते हैं या फिर कोई भी रॉकेट स्पेस में भेजते हैं, तो उसके लिए मेन चीज क्या होती है कि आपको कुछ ना कुछ रॉकेट उसके साथ जो बूस्टर्स होते हैं वो भेजने पड़ते हैं, राइट, इंजन जैसा, राइट, करेक्ट करेक्ट। तो वो जब तक स्पेस में नहीं पहुंचता तब तक वो उसके साथ ही चलता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि 3 ऐसे वर्टिकल बीम्स जैसे है, राइट, और वो स्पेस में जाने के बाद जो मेन सैटेलाइट या रॉकेट होता है उससे डिटैच हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, फिर वो वेस्ट हो जाते हैं, तो उसको एक्सप्लोर कर देते हैं स्पेस में या फिर कुछ भी, वो घूमते रहते हैं स्पेस में, देयर इज दे आर वेस्ट, उसको हम बाद में यूज भी नहीं कर सकते। बट इलॉन मस्क ने क्या किया, ही हैज मेड रीयूजेबल रॉकेट लॉन्चेस, आप बोल सकते हो,
कि रीयूजेबल, तो ये जो दो डिटैच होने के बाद वो वापस अर्थ पे आ गए स्पेस से, वापस आ गए और बराबर जहां पे उसको चाहिए था वहां पे लैंड भी कर दिया, है ना? Yes. बहुत ही ऑसम काम था ये. अगर आप चाहिए तो आप इसका वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, जस्ट सर्च फॉर SpaceX Falcon Heavy लॉन्च एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ वीडियोस देयर. आपको वॉइस आ रहा था क्या, साउंड आ रहा था? नो, ठीक है, बट इसका म्यूजिक भी बहुत एनर्जेटिक था, तो आप वो भी देख सकते हो. चाहिए तो आई विल शेयर द क्लिप विथ यू, ओके, 2 मिनट्स का क्लिप. सो ये जो SpaceX लॉन्च था, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे हेवी फाल्कन. इसका मैं आपको बताती हूँ फैक्ट्स. तो ये 40 मीटर हाइट का था, ठीक है, आप साइड बूस्टर्स देख सकते हो यहाँ पे, दो साइड बूस्टर्स. तो ये 40 मीटर्स, इतना बड़ा रॉकेट लॉन्चर, इतना बड़ा बूस्टर, उसका वेट कितना है, इक्वल टू 18 एयरक्राफ्ट, बोइंग 747 जो सबसे बड़ा वाला एयरप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, 18 उतने जितना उसका वेट है. और ये वापस लैंड हुआ केप कैनवरल में, ओके. सो आप सोच सकते हो कितना बड़ा उसके लिए ये अचीवमेंट था, है ना? Yes. एंड वो रॉकेट लॉन्च वो बाद में वापस यूज कर सकता है अलग लॉन्च के लिए, राइट? सो कितना सारा मतलब पैसा उसने सेव किया, राइट? तो ये सारी चीजें पॉसिबल कहाँ से हुई कि रॉकेट ऐसे ही जाएगा, फिर वो ऑर्बिट में जाएगा, फिर वो डिटैच होगा मेन रॉकेट से या फिर कोर से, और वापस से सेम उसी जगह पे आके लैंड करेगा. इट इज वेरी डिफिकल्ट, उसके अंदर कोई पायलट नहीं था, ठीक है, देयर वाज नो वन. तो ये सब कुछ प्रोग्रामिंग से हुआ, ये सब कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हुआ. तो आपने फिजिक्स में ट्रैजेक्टरी पढ़ा है ना? Yes, ma'am. Yes. So trajectory while launching a rocket or any space object while launching, you have to first calculate the launching trajectory. फिर स्पेस में जाने के बाद ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करती है, ठीक है, ऑर्बिटल. तो वो अर्थ में कैसे ऑर्बिट करेगा वो ट्रैजेक्टरी आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है. फिर उसके बाद जब वो वापस एंटर होगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में और वापस री एंटर और लैंड होगा, तो उसकी ट्रैजेक्टरी अलग, ठीक है. तो जब मैंने ये वीडियो सबसे पहली बार देखा था, मतलब बहुत लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने देखा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद वापस आके क्रैश हो. आपको भी ऐसा लगा? Yes, ऐसा लगा कि वो ओशन या सी में गिर जाए. हाँ, राइट. तो मैं जब ये वीडियो मैं भी खुद देख रही थी फर्स्ट टाइम, तो मुझे ऐसा लगा था कि अरे मतलब शायद ये वापस आके क्रैश होगा, कुछ तो ऐसे होगा. बट नहीं, आई वाज सो अमेज्ड कि यार ये वापस आके उधर के उधर लैंड, सो अमेजिंग, है ना? ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक काम आया, उसी की वजह से इतना प्रिसाइज लैंडिंग. ओके, सो कैसे लगा आपको ये? यस मैम, यस. ओके, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू लर्न मोर अबाउट दिस. ठीक है, ये ऑफ द टॉपिक है, आई नो इट इज नॉट रिलेटेड टू आवर टेक्स्ट बुक और एनीथिंग, बट अगर आपको इंटरेस्ट पैदा करना है इस टॉपिक पे या ट्रिग्नोमेट्री में, ये तो आपको समझेगा नहीं कि ये कैसे यूज हुआ ट्रिग्नोमेट्री और कहाँ पे यूज हुआ एग्जैक्टली, बट यू कैन लर्न मोर अबाउट दिस फिनोमिना, ये कैसे उसने किया, फिर उसके बाद उसने और कौन से लॉन्च किए हैं रॉकेट्स. अभी और शायद इस ईयर भी एक लॉन्च होने वाला है. यस, ठीक है. तो अगर ये सारी चीजें है, अगर ये सारी चीजें है, सो कैन आई से दैट ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अराउंड अस? कैन वी से दिस? हर जगह, मतलब हर जगह, आप कहीं पे भी देखो हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा. तो एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको दूंगी. यस निखिल, 2 जुलाई 2022. यस, और एक फाल्कन लॉन्च होने वाला है. करेक्ट, करेक्ट. यस यस, आई नो. तो यही मैंने भी सुना था कि और एक वो लॉन्च करने वाला है, तो लेट्स सी. अभी जुलाई मतलब नेक्स्ट मंथ ही होने वाला है, सो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ईयर में.
हाँ नेक्स्ट ईयर करेक्ट, बट नहीं इस साल भी कुछ तो होने वाला है दिसंबर में, सम सैटेलाइट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड, आई विल टेल यू अबाउट इट, जो याद नहीं है बट मैंने सुना है इसके बारे में, आई विल टेल यू, ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो, बट यस एक छोटी सी एक्टिविटी मैं दूंगी आपको, जस्ट जिसको भी इंटरेस्ट है ऐसी सारी चीजों में उसके लिए, एक तो आप उस फाल्कन के बारे में और थोड़ी सी जानकारी लो, वीडियोस देखो, ठीक है, एंड ये देखो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आपके हर जगह पे आप कहाँ कहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हो, मैम ब्रिज में ब्रिज बना दो तो फिर ट्रिग्नोमेट्री उसमें भी यूज होता है, यस बट वो मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टुमारो इन टुमारो सेशन, बट ये आपके लिए एक है कि आप तब तक जो भी आपको याद आ रहा है कोई भी एग्जाम्पल हो याद करो, ठीक है, मतलब जस्ट एक थोड़ा सा रिसर्च करके रखो, कल हम लोग वापस डिस्कस करेंगे, वी विल हैव दिस सेशन ऑफ 5 to 10 मिनट्स एंड वी विल डिस्कस, ओके, यस मैम, ठीक है, नॉट थैंक्स, हाँ खत्म नहीं हुआ है, सो लेट अस गो बैक नाउ, हमने देख लिया वीडियो है ना, अभी हम वापस जाते हैं, सो आई एम गोइंग टू पुट ऑल द स्लाइड्स हियर इन दिस फाइल ओनली, सो यू विल गेट एवरीथिंग, ओके, एंड यू विल गेट द वीडियो आल्सो, मैं वो वीडियो क्लिप भी आपको भेजती हूँ, आई विल ट्राई, ठीक है, यस मैम, ओके, चल तो हो गए फ्रेश, अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर ले मैम, या बोलो मैम, ठीक तो मेरी वैल्यू सर डिवाइड टू गेट 30 और 45 40 लेके देखो आपको वैल्यू मिलेगा वहां पे, बट ऐसा कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगा, मतलब एक रैशनल नंबर नहीं मिलेगा, 1/√2 एटलीस्ट ये रैशनल है ना, आप फ्रैक्शन में उसको याद रख सकते हो, उसका जो डेसिमल फॉर्म है दैट इज आई थिंक 1.414 समथिंग, ठीक है, नो नॉट 1.414, इट इज 0.707 1/√2 का वैल्यू, तो अगर कोई भी दूसरा हम लोग लेते हैं जैसे कि सपोज से साइन 10 या फिर 20 या फिर 50 डिग्रीज, तो उस पे आपको ऐसे प्रॉपर फ्रैक्शंस नहीं मिलते, That is why वो बराबर उसी इंटरवल पे लिया हुआ है, ओके, यस मैम, ओके, ठीक है, यू कैन फाइंड ट्रायंगल और ट्रू वैल्यू, कार्तिक इज सेइंग मैम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन फाइंड ट्रू एंगल और ट्रू वैल्यू, अच्छा आई एम नॉट गेटिंग दिस एग्जैक्टली, आप क्या बोलना चाहते हो कार्तिक, अगर ये कुछ एप्लीकेशन के बारे में है तो वी विल डिस्कस इट टुमारो, या फिर आप मुझे अपना जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा और क्लियर कर दें, ओके, सो जो कि हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन देखा वो तो पहला टाइप का सोल्यूशन था, मैंने क्या बोला था और एक टाइप का सोल्यूशन है हमारे साथ जो कि है जनरल सोल्यूशन, तो अभी जनरल सोल्यूशन में हमारे पास 3 मेन थ्योरम्स है, वैसे तो आपको टेक्स्ट बुक में 6 थ्योरम्स दिखेंगे और ये कोई भी थ्योरम आपको एग्जाम में नहीं आता है, जनरली नहीं पूछते थ्योरम, बट अगर पूछ भी लिया तो भी आप एकदम इजिली कर सकते हो, ठीक है, बट उसमें से भी जो पहले 3 है वही मेन थ्योरम्स है, तो अगर वो भी आते हैं आपको एटलीस्ट रिजल्ट आपको याद है देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, ठीक है, सो लेट मी टेल यू हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस थ्योरम, सो थ्योरम में जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, अभी टेक्स्ट बुक में आपको थीटा और अल्फा भी दिखेगा, मतलब क्या दिया है टेक्स्ट बुक में थीटा और अल्फा,
तो टेक्स्ट बुक में दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है, बट मैंने एक्स और वाई लिया है, बट मैं हमेशा एक्स और वाई के साथ सिखाती हूँ. सो इट्स सेम, जस्ट सो इन्होंने सिंबल चेंज किया है. तो अगर आपका क्वेश्चन साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई इस फॉर्म में आता है, मतलब इक्वेशन के दोनों साइड साइन साइन है और एंगल इज थोड़ा सा डिफरेंट, तो हम एंगल को ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू वाई करते हैं. तो एक्स इक्वल टू आपका जनरल सोल्यूशन बनेगा एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन इंटू वाई. वहां एन इज बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, सो दिस इज वॉट इंटीजर्स. ओके, दिस इज वॉट इंटीजर्स, ठीक है. तो इसका प्रूफ मैं लिखती हूँ यहाँ पे. प्रूफ देखो, ये जो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल्स टू जीरो. कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस मैम. ठीक है, ऐसे मैंने लिखा. अभी इसके बाद साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला किया था ना 11th स्टैंडर्ड में. यस मैम. हाँ, तो वो जो फॉर्मूला था क्या था, लिखते हैं यहाँ पे cos of c plus d by 2 into 2 sin of c minus d by 2. Yes, equals to 2 cos of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2. ठीक है, तो यही हम यहाँ पे put up करेंगे. c अपना x है और d अपना y है. This is sin, sorry, 2 cos x plus y by 2 and sin x minus y by 2 equals to 0. Abhi ye tino bhi multiplication formula. So can I write down, therefore cos of x plus y by 2 equals to 0 or sin of x plus y x minus y by 2 equal to 0? Can I write it like this? Jaise hum factors kaise likhte hai waise. ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में थे, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस कि दोनों में से कोई तो एक जीरो होगा ना, तभी मुझे जीरो मिलेगा आंसर. यस, सो मुझे बताओ कॉस जीरो कभी होता है? पहले हम साइन के बारे में बात करते हैं, कॉस थोड़ा सा बाद में बात करते हैं. हाँ बताओ, साइन जीरो कभी होता है? जीरो डिग्री. जीरो डिग्री और कहाँ पे होता है? 180 डिग्री, 360 डिग्री. राइट राइट, मतलब 2 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इसका पाई, उसका पाई, हर किसी का पाई है ना? यस और नो? यस. यस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो एट 0 degrees, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो. तो इसका पाए, उसका पाए, हर किसी का पाए पे आपको साइन जीरो मिलेगा, करेक्ट. तो अगर मैं ये 2, 3, 4, ये तो अभी चलते ही जाएगा ना, कितने तक भी मैं जा सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इन सबको एक बार ऐसे ही मिला के क्या मैं इसको एन पाई लिख सकती हूँ? यस मैम. और मतलब थीटा इक्वल्स टू एन पाई, जहाँ पे एन कौन है रे? एन इज इंटीजर है ना, कोई भी इंटीजर ले लो, माइनस ले लो, प्लस ले लो, जीरो ले लो, सब पे आपको जीरो ही मिलेगा. yes. तो ये चीज याद रखनी है साइन थीटा के लिए, आज ये समझ के लेनी है. साइन थीटा हमेशा जीरो रहेगा हर एक पाए पे, हर पाए, इसका पाए, उसका पाए, सबका पाए, साइन जीरो इज जीरो. ठीक है? yes, ma'am. Can I write it like this? Therefore, x minus y by 2 is equal to 0 कहाँ पे है? n पर. ठीक है, n पर. ओके, यस. अभी उसी तरह मुझे बताओ cos थीटा कहाँ पे 0 होता है रे? 90 डिग्री. फिर 270 डिग्री. करेक्ट. फिर
चलो डिग्री छोड़ दो, मुझे रेडियन में बताओ, रेडियन में पाई बाय टू, 270 को क्या बोलते हैं? 3 pi by 2. उसके बाद मुझे एटलीस्ट एक वैल्यू बताओ इसके बाद. 5 pi by 2 है ना? 7 pi by 2. या 7 pi by 2. अरे वाह, वेरी गुड. ऐसे सो ऑन, मतलब ये कौन है रे? कौन है ये? सारे ऑड मल्टीपल्स हैं. यस यस मैम. ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 या फिर पाई बाय टू. तो पाई बाय टू ही लिखती हूँ मैं यहाँ पे. ऑड मल्टीपल्स क्यों? देखो पाई बाय टू, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 2, 4, 8, 9 नहीं है, तो वो पाई हो जाएगा, वो पाई का मल्टीपल हो जाएगा. ठीक है, तो कॉस इज हमेशा ऑड मल्टीपल. तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कॉस वैसे भी एक ऑड फंक्शन है, अपनी मनमानी करते रहता है ना, उसको सिर्फ ऑड चाहिए. तो वो बोलेगा नहीं, मुझे सिर्फ ऑड चाहिए, मैं ऑड हूँ तो मुझे सिर्फ ऑड चाहिए. ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो. इसको जनरलाइज फॉर्म में ऑड फंक्शन, ऑड नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं? 2n+1 कर सकती हूँ मैं. इंटू पाई बाय टू देखो तो yes. हाँ, कोई भी n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करो. ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z, 0 से स्टार्ट करो, माइनस बाद में देखेंगे, 0 से स्टार्ट करो. तो 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 1, पाई बाय 2 मिल गया फर्स्ट वैल्यू आपको. फिर n का वैल्यू 1 डालो, तो 2 1 2 + 1 3, सेकेंड वैल्यू मिल गया. 2 n का वैल्यू 2 डालो, 2 2 4 + 1 5, n का वैल्यू 3 डालो, 7 एंड सो ऑन. यस और नो? यस मैम. तो ये जो ऑड मल्टीपल है ना, ऑड मल्टीपल, इसको ऑड मल्टीपल को हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं. ये जनरल फॉर्म बता, आप 2n-1 भी लिख सकते हो, बट माइनस एन क्यूब डाले ना, खाली फुकट. माइनस आपको पता है, माइनस एन ओनली क्रिएट्स प्रॉब्लम्स. यस और नो? तो प्लस साइन से करेंगे, मतलब आप 2n में से प्लस करो या माइनस करो, आपको ऑड नंबर ही मिलेगा. ओके, सो कैन आई राइट दिस एज x + y/2 = 2n+1 × π/2? तो जैसे ये वाला लिखा वैसे ही मैं ये वाला भी लिखा मैंने नीचे. तो साइन का लिख लिया, कॉस का लिख लिया. ओके, साइन का लिख लिया, कॉस का लिख लिया. अब ये जो 2 2 है वो मैं उस साइड शिफ्ट कर देती हूँ. आई एम गोइंग टू शिफ्ट इट टुवर्ड्स अनदर साइड, दैट इज x + y = 2n+1. और ये पाई बाय 2 × 2 हो जाएगा, तो सिर्फ पाई बचेगा ना रे? यस मैम. And this is x - y = 2n π. Yes, ma'am. अभी y को भी लेके जाते हैं वहां पे. ठीक है, मुझे सिर्फ x चाहिए. x = 2n+1 π, ये हो जाएगा माइनस y, यानी हो जाएगा x = 2n π + y. करेक्ट? यस मैम. आई एम सॉल्विंग इट इन पैरेलल फैशन ओनली. तो x = ये भी मिला, x = ये भी मिला. अभी दोनों में से आंसर करेक्ट किसका है? तो दोनों भी आंसर करेक्ट है एक्चुअली. यही हमारा दिमाग हमें यूज करना है. तो इन दोनों को मर्ज करके या फिर इन दोनों को क्लब करके आपको एक जनरल सॉल्यूशन मिला. ठीक है, ऑब्टेन one formula from both. तो ultimately तो आपको ये formula ही by heart करना है या फिर ये formula ही याद रखना है, but ये आया कहाँ से? So यहाँ पे है 2n + 1, यहाँ पे है 2n, तो ये है odd
ये है इवन, है ना। पहले तो 2n+1 ये आपको ऑड नंबर देगा या आपको इवन नंबर देगा, करेक्ट। तो इन दोनों को क्लब करके मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो इन दोनों को क्लब करके मैं ऐसे लिख सकती हूँ एन पाए, ठीक है, एन पाए लिख सकती हूँ। एन पाए मतलब उसमें ऑड भी आ गया इवन भी आ गया। फिर y, तो जब भी ऑड होता है तो y का जो कोएफिशिएंट होता है वो माइनस होता है, -1, यहाँ पे होता है +1, ठीक है। तो ये मुझे मिलेगा प्लस -1 raised to n into y। अभी ये तो मैंने डायरेक्टली, आप बोलोगे मैम ये तो आपने डायरेक्टली यही लिख दिया जो हम प्रूव करना था। हाँ आपको भी वही करना है, बट ये आएगा कहाँ से, देखो अभी हम इसका ये देखते हैं, जस्टिफिकेशन देखते हैं कि अगर दिस वन, इफ n इज इक्वल टू ऑड, कोई भी ऑड नंबर ले लो, कोई भी ऑड नंबर ले लो, तो n मतलब 1, तो ये पाई माइनस 1 रेस टू 1 विल बी माइनस 1 मिली, तो दिस विल बी पाई माइनस y, ओके। यहाँ पे भी देखो इसको 1 डालो, यहाँ पे क्या मिलेगा, पाई माइनस y, करेक्ट, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझा, नहीं समझा, ठीक है, समझ रहा हूँ, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा इतना समझा है, यहाँ तक समझा था? यस मैम। हाँ यहाँ तक समझा, ठीक है। अभी हाँ बोलो, वो cos साइन रिपीट करो ना। ओके cos साइन रिपीट कर, ठीक है। तो cos साइड में मैंने क्या बोला कि cos कभी जीरो मिलता है, cos कभी जीरो मिलता है। तो cos इज जीरो एट पाई बाय 2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो, करेक्ट। ये सारी जगह पे मुझे cos जीरो मिलता है, मतलब क्या ये आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ये सब लोग कौन है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि cos जो है ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, एकदम अलग सा फंक्शन है, बोलते ना ये तो बंदा एकदम ऑड है, किसी के साथ मिक्सअप नहीं होता, वैसा ही है cos, अपनी मनमानी करेगा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ ऑड मल्टीपल चाहिए, ठीक है। ऑड मल्टीपल को हम लोग ऐसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2n+1, आप n की जगह पे कोई भी नंबर डालो, 0, 1, 2, 3, आपको ये सारी वैल्यूज मिलेंगी अपने आप, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू मैंने बोला 2n+1π/2, cos आपको जीरो मिलेगा इस जगह पे, तो यही मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। तो थीटा मेरा x+y/2 था, 2n+1π/2, तो ये जो 2 था मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया न्यूमरेटर में, तो उसके वजह से 2 कैंसिल हो गया, हमें मिला सिर्फ पाई, ओके। फिर ये जो y था ये भी मैंने यहाँ पे लाया, तो वो मिल गया -y, ओके। इसके बाद मैंने क्या बोला, थोड़ा सा इसको ठीक से लिखती हूँ मैं, ये तो 2n+1 ही है और ये है 2, राइट। तो ये तो ऑड नंबर मिलेगा ना, इससे आप n का वैल्यू कुछ भी डालो यहाँ पे ऑड मिलेगा, यस मैम। और 2n यहाँ पे इवन मिलेगा, n का वैल्यू कुछ भी डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब ये इवन नंबर। तो आपको यहाँ से सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिलेगा, यहाँ से सिर्फ इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिलेगा। इन दोनों को कंबाइन करके, ऑड और इवन कंबाइन करके हम लिख सकते हैं एन पर, ठीक है, हम लिख सकते हैं एन पर, ऑड और इवन को कंबाइन कर, ठीक है। और ये देखो अभी यहाँ पे ये है -y, ये है +, तो इवन के टाइम पे आपको y का वैल्यू पॉजिटिव से मिलेगा, y इज अनदर थीटा बोल सकते हो आप, एंगल बोल सकते हो, और यहाँ पे cos में आपको ये नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। सो उसके लिए मैंने क्या किया, एक और जनरल फॉर्मेट लगा दिया, -1 raised to n। अभी ये तो अपना डायरेक्टली थ्योरम है, ये आपको इतना ही याद करना, बट ये आया कैसे, हम इसको क्या बोलते हैं, वेरीफाई कैसे कर सकते, तो वेरीफाई ऐसे कर सकते हो आप, अगर n इज इक्वल टू ऑड मिलेगा,
ठीक है, कोई भी ऑड नंबर ले लो, चाहिए तो 1, 2, 3, 5 कुछ भी ले लो, ठीक है, ऑड नंबर। अगर मैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 डालती हूँ, यहाँ पे भी 1 डाल, तो इसका आंसर क्या मिलेगा रे, x इज इक्वल टू ये पाई माइनस 1 रेस टू 1 विल बी माइनस 1 n इनटू y, तो पाई माइनस y मिलेगा। यस यस मैम, यस। वही चीज अगर मैं यहाँ पे डालू, ऑड मतलब cos, तो यहाँ पे भी 1 डालो, तो 2 इनटू 1 इज सॉरी 3 पाई माइनस y, तो ये भी ऑड हुआ, करेक्ट, मतलब आंसर करेक्ट आ रहा है, ओके। अगर मैं इवन डालू नंबर, यहाँ पे 2 डालो, यहाँ पे भी 2 डालो, तो ये हो जाएगा 2 पाई और ये हो जाएगा प्लस y, है ना, तो यहाँ पे भी आपको इवन मिल रहा है, राइट। सो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि अगर ऑड है, तो जहां पे भी n ऑड मिलेगा, तो वहां पे आपको cos वाला फंक्शन या फिर cos के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, दैट इज दिस, तो नंबर 1। और अगर n इक्वल टू इवन आया, कोई भी इवन नंबर 2, 4, 6, तो आपको सेकेंड इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा, दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। सो दिस इज जस्ट अ प्रूफ, ठीक है, ये सिर्फ एक प्रूफ है, ये आपको वेरी रेयरली पूछेंगे। हमें बस क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन है वो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई के फॉर्म में लेके आना, एंड देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला, ओके ओके। यस मैम, एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, एक क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट करेक्टली, ठीक है। वैसे तो मुझे आज सारे थ्योरम्स करने थे, बट ओके, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला, इसी में से फर्स्ट वाला हम यूज करने वाले हैं, साइन एक्स वाला जनरल क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज फाइंड ps एंड gs, या फिर सिर्फ gs भी बोल सकते हैं, अगर सिर्फ gs भी बोला तो भी आपको पहले तो ps फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं लिखती हूँ कि फाइंड ps, दैट इज जनरल सॉल्यूशन, ओके। सो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, cosec x इज इक्वल टू माइनस 2 बोला है ना, cosec x इक्वल टू माइनस 2, सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, साइन x इक्वल टू माइनस 1/2। यस मैम, अभी इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे रे, साइन नेगेटिव कहाँ पे है, पहले तो नेगेटिव साइन निकाल दो यहाँ से, माइनस साइन साइन 32 डिग्री, 5/6, ठीक है, नेगेटिव साइन निकाल, अभी बताओ साइन नेगेटिव कहाँ पे है, थर्ड एंड, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई प्लस थीटा करते हैं, 2 माइनस थीटा, करेक्ट, बस वही करना है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस 5/6, ठीक है, विच इज नथिंग बट साइन ऑफ 7π/6, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे लिखनी चाहिए, तो इसी के आगे, एंड ऑल्सो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ, अभी ये मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए करती हूँ, 2π-π/6, दैट इज साइन ऑफ 11π/6, ठीक है, ये वाला सम भी हमने सॉल्व किया है ना। Yes, तो आपको PS मिल गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, x इक्वल्स टू 7π/6 एंड 11π/6,
ठीक है, ये आपको मिल गया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी इसके बाद ही हम लोग जनरल सॉल्यूशन पे जा सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन पूछा तो पहले ये स्टेप तो कंपलसरी करना ही है, ठीक है ना। यू कैन राइट द जनरल सॉल्यूशन या फिर GS ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, ठीक है, इज व्हाट इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वन रेज टू n इनटू y, ओके, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये अगर आपने नहीं लिखा थ्योरम, और ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है, आपको कॉलेज में ये क्वेश्चन पूछा है कोई भी एग्जाम में, थ्योरी एग्जाम में, और अगर आपने ये नहीं लिखा, अगर ये n बिलोंग्स टू z भी नहीं लिखा, तो कॉलेज वाले आपका हाफ मार्क या वन मार्क आराम से काट लें, ओके। तो क्योंकि ये बोर्ड्स का सेशन है तो हम लोग पूरा उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे कि हाँ मुझे ये लिखना ही है, ठीक है, अगर ये थ्योरी क्वेश्चन है तो। अभी हमको इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए, देखो। सो हियर साइन एक्स, हियर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन सेवन पाई बाय सिक्स, आप इसको इक्वेशन वन और इक्वेशन टू लिख सकते हो, ओके, फ्रॉम वन। तो इससे क्या मिला, ये एक्स है तो मैं इसको y बोल सकती हूँ, है ना? Yes, ma'am. Yes. तो ये y है, अगर ये y है तो मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, देयरफॉर gs विल बी x इज इक्वल टू n by प्लस माइनस वन रेज टू एन, वाई के जगह पे बस लिखना है सेवन पाई बाय सिक्स, दैट्स इट, ओके, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, बस। हम इलेवन पाई बाय सिक्स क्या चलेगा, दोनों भी चलेगा, दोनों भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना, तो दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो आप, बट प्रिफरेबली जो छोटा वाला होता है वो लिखते हैं हम लोग। ऐसा क्यों मैम? ऐसा ही है, अभी मुझे वो तो नहीं पता, मतलब जिसने भी ये बनाया है उसने ऐसा बोला है कि छोटा वाला लिखो, दूसरा भी लिख सकते हो, दोनों बोथ आर इक्वल, लाइक बोथ आर सेम। तो सबसे पहले जो आता है ना जीरो से लेके टू पाई के बीच में, सबसे पहला वाला जो आता है वो लिखते हैं हम लोग, तो छोटा वाला लिखते हैं, बट कोई भी लिख सकते, ओके, यस। बस इतना ही है जनरल सॉल्यूशन। तो अगर आपको पीएस आता है और जनरल सॉल्यूशन का थ्योरम आता है, ठीक है, ये आपका थ्योरम है, तो आप जनरल सॉल्यूशन आराम से लिख सकते हो, समझ गए? यस मैम, यस, ठीक है। तो इसी तरह से कॉस का भी जनरल सॉल्यूशन है, टैन का भी जनरल सॉल्यूशन, बस साइन कॉस टैन इन्हीं तीन फंक्शंस के बीच में हमको खेलना है, दैट्स इट, ओके, यस मैम। सो इन द नेक्स्ट क्लास, मतलब टुमारोज क्लास, हम लोग क्या करेंगे, कॉस और टैन का जनरल सॉल्यूशन देखेंगे, एंड देन वी विल सॉल्व अ लॉट ऑफ सम्स, मतलब ये पूरा जो एक्सरसाइज है 3.1 वो कंप्लीट करेंगे, ओके, यस मैम। एंड आपको एक्टिविटी भी पता है, यू हैव टू फाइंड आउट मोर अबाउट फाल्कन, एंड कहाँ-कहाँ पे आपको अनयूजुअल, मतलब एकदम नॉर्मल एग्जाम्पल्स तो कोई भी दे सकता है, कुछ हटके एग्जाम्पल फाइंड करो, और अगर कुछ भी ऐसा नहीं, आपको उसके बारे में प्रूफ होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो मुझे कि ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज हो रहा है इस फील्ड में, तो वो उसका एक कॉन्क्रीट रीजन होना चाहिए, एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, जो आपको इजीली मिलेगा यूट्यूब या फिर गूगल से, ओके। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करो, मैं तो कर ही रही हूँ, आप लोग भी मेहनत करो, ठीक है।